संकट में फंसे पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 दिनों तक का विदेशी मुद्रा भंडार शेष बचा हुआ है। ऐसे में अगर IMF सही समय पर पाकिस्तान को राहत पैकेज दे देता है तो फिर उस पर से कुछ दिनों तक संकट टल सकता है। इसी संकट के बीच वहां के मौलाना ने प्रधानमंत्री शरीफ को ऐसी सलाह दे डाली जिसके बाद पाकिस्तान को कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मौलाना का नाम है मौलवी नसीर मदनी। इनकी माने तो पाकिस्तान को मुसलमान देशों के साथ मिलकर एक कमेटी शुरू करनी चाहिए। अब क्या कहें इस देश को जहां मूर्खों की पूरी जमात भरी हुई है। मौलाना नसीर मदनी ने कहा कि PM शरीफ को 57 मुसलमान देशों के साथ मिलकर $1 अरब की कमेटी डालनी चाहिए। बकौल मौलाना, पहली कमेटी पाकिस्तान खुद रख ले और IMF को वाई वाई कह दे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वही नसीर मदनी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले तहरीके लबैक पार्टी के नेता साद रिजवी से कहा था कि दुनिया से भीख मांगने की जगह शहबाज सरकार को परमाणु बम हाथ में लेकर पैसे मांगने चाहिए। अब पाकिस्तान दिन प्रतिदिन गहरे संकट की तरफ बढ़ रहा है। 9 फरवरी को IMF की तरफ से उसके लिए बड़ा फैसला किया जा सकता है। IMF हो सकता है देश को राहत के नाम पर $1.3 अरब की पहली मदद जारी करने के फैसले का ऐलान कर दे, लेकिन संकट इतना बड़ा है कि ये रकम ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो सकती है। मार्च में मिलने वाली इस राशि से देश को कितनी राहत मिलेगी, इस बारे में सभी को कई आशंकाएं हैं। IMF की तरफ से पाकिस्तान के सामने कई शर्तें भी रखी गई हैं। देश के आर्थिक जानकारों की माने तो उन शर्तों को मानकर PM शहबाज देश की आर्थिक आजादी के साथ समझौता कर रहे हैं। IMF ने शहबाज से अपील की है कि वो सैन्य और असैन्य संपत्तियों का ऐलान करें, साथ ही रक्षा बजट में भी कटौती करें। इसके साथ ही भारी कर, बिजली, गैस और बाकी ऊर्जा पर दी जा रही छूट को भी खत्म करें। डॉलर खत्म होने की वजह से पाकिस्तान के पास सिर्फ कुछ ही दिनों के आयात की सुविधा बची है।